आप असीम गोयल जी से पूछ लीजिए कि उन्होंने बलदेव नगर में आगे क्या विकास किया। माहौल तो जी ऐसा है कि बीजेपी सरकार से तो सभी परेशान हैं। चुनाव में तो यही लगता है कि इस बार तो बीजेपी साफ है। इस बार ही तो साफ है, निर्मल सिंह जी आएंगे। हम तो सर यही जान रहे हैं कि कांग्रेस ही जीते जी, मन से दिल से बोल रहे हैं जी, निर्मल सिंह ही जीते जी। क्यों गोयल को क्यों जीरो कह रहे हो? क्यों, कोई सुधार नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, साले क्या करे हमारे लिए या किसके लिए? आप अपने मौजूदा विधायक को 10 में कितने नंबर दोगे? जीरो। मौजूदा विधायक 10 में कितने नंबर दोगे? क्या नंबर दें, बस परेशान है, परेशान है। अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, सबसे पहले आपका स्वागत है अर्थ प्रकाश की चुनावी चौपाल पर। जैसे आपको सबको पता कि हरियाणा विधानसभा के चुनाव इस वक्त पूरी तरह से गर्म हो चुके हैं और हम जगह जगह जाकर जनता के बीच में जाकर अपने दर्शकों को इसका ब्यौरा दे रहे हैं कि यहाँ की जनता क्या सोच रही है। और आज हम खड़े अम्बाला शहर के अंदर, जहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मल सिंह और असीम गोयल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, और यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि इनके क्या विचार हैं इस चुनाव के बारे में। जैसे आपको पता कि हम इस वक्त अम्बाला शहर विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से निर्मल सिंह जी खड़े हैं और उनके विपरीत खड़े हैं असीम गोयल जी, और हम जनता से पूछते हैं कि इनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। हाँ जी, ऊंचा बोलिए थोड़ा। हाँ जी बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह है। बलदेव सिंह जी, हम बलदेव नगर चौक पर ही खड़े हैं और शुरुआत भी बलदेव सिंह जी से हो रही है। बलदेव सिंह जी, ये बताइए ये क्या माहौल है इस वक्त यहाँ पर? माहौल तो जी ऐसा है कि बीजेपी सरकार से तो सभी परेशान है। क्यों परेशान है? सरकार तो ये करी, हमने इतने विकास किए, डेवलपमेंट की है। आप असीम गोयल जी से पूछ लीजिए कि उन्होंने बलदेव नगर में आगे क्या विकास किया है। अच्छा। हाँ, अगर आप हम उनके सामने जाके बात करते हैं तो हम खुद उनसे पूछ सकते हैं भी क्या विकास किया। बाढ़ आई है, उन्होंने आगे बलदेव नगर की खबर नहीं ली। यहाँ पर बाढ़ आती है? आती है, बिल्कुल। लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, लेकिन कोई आगे बताता नहीं है। तो ये बताइए यहाँ पर चुनाव के मेन मुद्दे क्या हैं? यहाँ चुनाव के मेन मुद्दे सर यही है कि एक तो बलदेव नगर का विकास, दूसरा इस टाइम बेरोजगारी इतनी हो गई है कि पूछिए मत। इतना इतनी बेरोजगारी हो गई है कि ये हमारे एक्स प्रधान जी हैं यहाँ ऑटो यूनियन के, अब मैं हूँ। अच्छा, ये बताइए ऑटो यूनियन का है, ऑटो वालों को क्या दिक्कत होती है? ऑटो वालों को दिक्कत ये है सर कि जैसे ये जो ई रिक्शे है, ठीक है जी, इनका कोई इन्होंने स्टैंड नहीं दिया, ठीक है, हमारा स्टैंड खत्म है। ये एक एक दो दो सवारी लेके भाग जाते हैं, हमारा काम बिल्कुल खत्म हो गया, ऑटो यूनियन का काम बिल्कुल खत्म। अच्छा, अब इस चुनाव में क्या देखते हो आप? अब इस चुनाव में हम ये देखते हैं कि ये जो पार्टी हम चेंज कर रहे हैं, हम जैसे निर्मल सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि वो आए। हम निर्मल सिंह जी क्यों आए, उनको आप वोट क्यों देना चाहते हो? सर जी बात ये है, पिछली बार भी खड़े थे तो इस बार फिर खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप ये बताइए पिछली बार और इस बार में क्या फर्क है? इस बार और पिछली बार में ये फर्क है सर कि पिछली बार में भी वो दूसरे नंबर पे आए थे, आजाद उम्मीदवार खड़े थे, ठीक है जी, आजाद उम्मीदवार खड़े होने के बावजूद भी वो दूसरे नंबर पे आए थे, तो इस बार तो उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया और हम है ही कांग्रेस। तो आप ये मेन मुद्दे क्या है आपके? हमारे यहाँ मेन मुद्दे है, एक तो निकासी नहीं है पानी की, बलदेव नगर में सड़कें टूटी पड़ी हैं, ठीक है जी, बहुत बुरा हाल है। आप कभी अंदर जाके देखो, आपको पता लगेगा क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, यो अब हमारे बीच में आएंगे, कहाँ आएंगे जी? हाँ जी, हाँ आइए जी, आइए आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार है जी। पवन कुमार जी कहाँ रहते हो? हम यही बलदेव नगर में रहते हैं। अच्छा, अम्बाला शहर कौन सी उसी है? हाँ जी, हाँ जी। आप पिछले MLA थे जो असीम गोयल जी, 10 साल रहे हैं, उनको आप 10 बजे कितने नंबर दोगे? निष्पक्ष होकर बताना, निष्पक्ष बगैर किसी दबाव के। अब तो 1-2% नंबर ही रहेगा जी उसका। 1-2% हो गए। हाँ जी। अब क्या लगता है इस बार आपको? इस बार ही तो साफ है, निर्मल सिंह जी आएंगे। तो निर्मल सिंह जी क्यों आएंगे? क्योंकि 10 साल में जो उन्होंने किया, उन मुद्दों को देखते हुए ना, अब बदलाव की जरूरत है। तो बदलाव, अम्बाला शहर भी बदलाव चाहता है। हाँ जी, नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? सर मैं एक्स सर्विसमैन हवालदार नरेंद्र। अच्छा नरेंद्र जी, क्या लगता है आपके? आप ये बताइए, जो एक्स सर्विसमैन है उनकी दिक्कतें भी थी, तो दिखते सरकार ने किस हद तक सोल्व की? कोई सोल्व नहीं हुआ जी। अच्छा जी। नथिंग else जी। अच्छा। बिल्कुल कोई सोल्व नहीं हो पाया, बस बातें हुई हैं, ना उनको कुछ मिला है, ना बस बातें हुई हैं। और तो कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो 10 साल में हुई होगी इस एरिया की आपके? डेवलपमेंट सर आज, कल बरसात आई थी। अच्छा, हमारी गलियों में देखो इतने इतना पानी था, जहाँ हम रहते हैं ना वहाँ इतना पानी घुस गया जी। अभी भी मैं वो हूँ अपना सुभाष नगर के पास में, स्कूल के पीछे वाली गली देखो, दिलबाग और घर में
वहाँ इतना मंदिर घुस गया, पानी घुस गया जी। अच्छा। बरसात कितनी हुई है? यानी मेन अंबाला शहर में निकासी की प्रॉब्लम है, यही अंबाला कैंट में भी है निकासी की, है ना? अच्छा, तो आप ये बताइए, अब आप क्या देखते हो, क्या मुद्दे हैं जो इस चुनाव में है? चुनाव मुद्दा तो यही है जी, एक तो वैसे वो आएगी नहीं, सीधी बात है, दैट इज द राइट थिंग, बीजेपी विल नॉट कम। अच्छा चलो ठीक है, अब इनसे पूछते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पवन कुमार जी, कहाँ रहते हो? यही इसी एरिया में। क्या लगता है चुनाव में आपको इस बार? चुनाव में तो यही लगता है कि इस बार तो बीजेपी साफ है। साफ है बीजेपी? बिल्कुल साफ है। क्यों, मौजूदा विधायक ने काम नहीं किए? बिल्कुल नहीं किए, बिल्कुल नहीं। देखो मौजूदा विधायक ने काम वो विकास किया है, लेकिन अपना विकास किया है, पब्लिक का कोई विकास नहीं किया। अच्छा, इन्होंने कहा कि मौजूदा विभाग एमएलए ने अपना विकास किया। अब हम बीच में आते हैं। हाँ जी, आइए बेटे। हाँ, क्या नाम? अच्छा बोलो, क्या नाम है आपका? संदीप जोशी। ऊंचा बोलिए। संदीप जोशी। संदीप जोशी जी, कहाँ रहते हो आप? हम रहते हैं मध्य प्रदेश में। यहाँ पर वोट है आपकी? नहीं, वोट तो मध्य प्रदेश में ही है। वोट मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की वोट है यहाँ पर। अब हम आगे चलते हैं। हाँ जी, और हमारे बीच में यहाँ पर ऑटो यूनियन में खड़े हैं, ऑटो यूनियन के एक्स प्रधान जी खड़े हैं। प्रधान जी नमस्कार, सबसे पहले नमस्कार। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि ऑटो यूनियन के आप अध्यक्ष भी रहे हो, तो क्या दिक्कतें ऑटो वालों को आती है, उस दिक्कत को दूर करने के लिए आपने क्या प्रयास किया? ठीक नहीं बात जी, ई रिक्शे का नंबर लगवाए। अच्छा जी, और फाटक के बाहर। अच्छा जी, ऑटो यूनियन बिल्कुल फेल होगी। अच्छा जी, तो मेन मुद्दे क्या है इस चुनाव, जो चुनाव है उसमें मुद्दे क्या है मेन, आपकी तरफ से क्या लगता है आपको? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। अच्छा, आप इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयपाल। जयपाल जी, कहाँ रहते हो? मंडोर। मंडोर कौन से हलके में पड़ता है? कैंट के, चित्रा। उधर क्या पोजीशन लगती है आपको? हमारे तो कांग्रेस है भाई, वहाँ से कांग्रेस। उधर हाँ पक्की है, उधर भी कांग्रेस, इधर भी कांग्रेस। अब हम आगे पता करते हैं। हाँ जी, हाँ क्या बात है, नाम? हाँ बेटे, तो नाम क्या? मेरा नाम सोनू। सोनू कहाँ रहता है? अम्बाले में। क्या पोजीशन लगती है उसमें? हाँ जी, अम्बाला शहर के कैंट शहर लगता है। अच्छा, शहर लगता है। आजा, तो शहर में क्या पोजीशन लगती है बेटे? क्या ठीक है बाबू जी, को किसका चांस है जीतने के? जीतने बीजेपी के लग रहे हैं जी। बीजेपी, सोनू ने बीजेपी को कहा है, देखिए ये निष्पक्ष प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर किसी को कोई फोर्स नहीं किया जाता, जो जिसकी दिल की बात है वो कहता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। टोद केसरी। हाँ विनोद, मैं जी यही बलदेव नगर में रहता हूँ जी। विनोद जी, ये बताइए क्या पोजीशन लगती है इस बार, निष्पक्ष होकर बताए, आप पर किसी कोई फोर्स नहीं है, हम जनता के बीच में आपके लिए आए हैं, क्या लगता है इस बार चुनाव में आप? हम तो सर यही जाना है कि कांग्रेस ही जीते जी, मन से दिल से बोल रहे हैं जी, निर्मल सिंह ही जीते जी। निर्मल सिंह जीते? हाँ, निर्मल सिंह जीते। बस जी, अपना दिल है, ख्वाहिश है जी। दिल है, ख्वाहिश है, ख्वाहिश है। अब हम यहाँ पर बलदेव नगर जो बाजार है, सबसे व्यस्तम बाजार है अम्बाला शहर का, अब हम फ्रूट विक्रेता से पूछेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? कमल। कमल, अच्छा यहाँ पर क्या लगता है कमल, ये बताइए। क्या जी? यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं इसमें क्या मुद्दे हैं? मुद्दे सर कुछ भी सही है, बस सब ठीक है यहाँ पे, कोई ऐसी वो नहीं है। अच्छा। कोई गुंडागर्दी नहीं है, कोई यहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, कोई मतलब की तंग नहीं करता हमें। मौजूदा विधायक की कार्यशैली खुश होकर नहीं है? हाँ जी ठीक है, कोई हमें वो नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आपकी जो रेडी लगाते हो इसमें आपको क्या दिक्कतें आती हैं? सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई हमें तंग नहीं करता, कोई हमें कोई पुलिस वाला कोई कुछ नहीं, मतलब की कोई कुछ नहीं तंग करते हमें। चुनाव में क्या क्या आपको लगता है अपने चुनाव आ रहा है? चुनाव में सर क्या कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी वोट है, देखो हमें तो जो भी जो सबको ठीक लगे बस ठीक है, लेकिन वोट जरूर कास्ट करना आप है। चलो हम आगे चलते हैं, अब लोगों के बीच में अम्बाला शहर के लोग। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है? नवदीप कुमार सर। कहाँ रहते हो? बलदेव नगर। बलदेव नगर का ये एरिया सबसे व्यस्तम एरिया है, ये चौक है यहाँ पर राकेश जी, और हमारे दर्शकों को दिखाइए भी कि हम किस तरह ग्राउंड लेवल की बात कर रहे हैं। हाँ जी, क्या लगता है इस चुनाव के मेन मुद्दे क्या है जी? सर मेन मुद्दा जी डेवलपमेंट, जिस हिसाब से डेवलपमेंट होनी चाहिए उस हिसाब से डेवलपमेंट हो नहीं, पानी निकासी सबसे बड़ी निकासी का मेन प्रॉब्लम आ रही है ना यहाँ पर अम्बाला के अंदर, है ना? यानी आधी जनता निकासी के कारण दिक्कत है। सर निकासी में इन्होंने कोई काम किया नहीं था, कोई प्रोजेक्ट बनाए होंगे इन्होंने भी? कोई प्रोजेक्ट नहीं बना सर, ऐसा है इधर मेयर थी जनचेतना पार्टी की और एमएलए थे बीजेपी पार्टी के, 5 साल आपस में रोला पाते रहे दोनों।
कि मेयर बोलता था कि मुझे एमएलए काम नहीं करने देता, एमएलए बोलता था मेयर काम नहीं। जनता तो काम चाहती है ना, जो आप यहाँ पर घरों में पानी घुस गया वो तो आप ठीक करना चाहोगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, बेसिकली ये काम हुआ ही नहीं। तो अब आप क्या चाहते हो, जो चुनाव होगा क्या होगा इस बार? इस बार सर कांग्रेस सरकार बनेगी। अच्छा, और चौधरी निर्मल सिंह जी जीतेंगे यहाँ। तो हाँ आ जा, अभी तू भी आ जा। क्या नाम है तेरा? बिहार वाला मुकेश। बिहार वाला मुकेश रहता कहाँ? बस मोतिहारी जिला घर है वो, इधर है। वोट इधर है, वोट पाएगा? वोट मतलब ना समझ। चल इधर पे तुम आ जा, आ जाओ तुम भी, आओ आओ जी आओ जी। हाँ जी नमस्कार जी। हमारे बीच में जी, हाँ जी क्या नाम है जी आपका? परमिंदर कुमार जी। परमिंदर कुमार जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में? कांग्रेस जी, कांग्रेस कांग्रेस। क्यों, क्या कारण, क्या कांग्रेस? देखिए आप सारे कांग्रेस कहते हो तो मुझे, हमें भी कहना, इन लोगों ने कहने शुरू कर दे कि ये कांग्रेस की बात करें, ये लोगों के विचार है, कमेंट्स है, मैं बता रहा हूँ जो लोग स्पष्ट बता रहे हैं और लोग निर्भीक होकर प्लेटफॉर्म बता रहे हैं। हाँ तू क्यों बोल रहे हैं भाई, तेरी वोट हैगी उन्हें? नहीं है ना, चल सैर दो। हाँ चलो ठीक, नहीं बात जी, ये निष्पक्ष है, इसमें जनता अपने दिल की आवाज रख रही है और आगे हम चलते हैं। लोगों, लोग जिसको मर्जी कहें लेकिन डेवलपमेंट होनी चाहिए। हाँ जी क्या नाम है जी आपका? ये राकेश कुमार। हाँ जी राकेश कुमार। राकेश कुमार जी क्या क्या लगता है चुनाव में? चुनाव में ठीक है, वैसे तो स्टार्टिंग में पाते हैं कांग्रेस को वोट। अब क्या लगता है? आप देखो कौन जीते, बताओ धीरे तो बताओ क्या लगता है? ये विश्वास तो है जीतेंगे वो। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है चलो ठीक है। अब हमारे साथ फ्रूट वाले भाई साहब यहाँ पर खड़े हैं। अच्छा नहीं है, हाँ जी हाँ जी आ जाओ जी। क्या नाम है जी आपका? कमल जी। कमल जी, कमल जी जी क्या लगता है इस बार? मुझे उद्धव बताया कि कार्यशैली को कितने नंबर दोगे आप 10 में? कैसे मतलब है? मौजूदा विधायक ने जो काम किए हैं उनकी कार्यशैली में 10 में से कितने नंबर दोगे आप? 5 नंबर। 5 नंबर, 5 नंबर कह रहे हैं ये। अब हम आगे चलते हैं, आ जाइए। वाले भाई साहब क्या नाम है जी आपका? मेरा सोनू है जी। सोनू ये बताओ कि इस एरिया में बड़ा काम क्या हुआ? बोल जी कोई काम नहीं हुआ, ये देखो ऊपर जरा लाइट देखो आप, कम से कम 2 साल हो गए हैं इसको ऐसे लग रही है। जी लाइट घुमाइए। 2 साल हो गए ये लाइट को ऐसे ही पड़ी हुई है। अच्छा ये बताइए कि कौन कौन से मेन काम हुए जो लगता है आपको? बॉय मेन काम क्या होने है, मेन काम तो ये है, मेन लाइट जगती है ये, कहाँ जगती है? 2 साल हो गए ऐसे लटकी हुई है, ऐसी लटकी हुई है। क्या चाहते हो अगले इलेक्शन में? इलेक्शन में चाहते हैं वोट उसको डाली जाए जो काम करने वाला। तो क्या लगता है इन सारे जो खड़े हैं इनमें कौन लगता है कि काम करने वाला बंदा? काम बाबू जी आप तो जो जीतेगा तभी पता लगेगा। वोट जरूर डालना, ठीक है ना? अंकल जी आ गए हैं। अंकल जी क्या नाम है? सोमनाथ। सोमनाथ जी कहाँ रहते हो? बरनाला। बरनाला, अच्छा अच्छा आप भी आपके साथ ही? अच्छा क्या लगता है मोल बरनाला का? बरनाला में तो रड़ा मिला है जी। फिर क्या लगता फिर? मैं तो बीजेपी को दूंगा वोट। बीजेपी बरनाला में, बीजेपी बरनाला में बीजेपी कह रहे हैं। और देखिए यहाँ पर लोग स्पष्ट अपनी बातें बता रहे हैं। सोम प्रकाश कश्यप। सोम प्रकाश कश्यप जी बोल रहे हैं। अच्छा कहाँ पर रहते हो जी? हाउसिंग बोर्ड में, हाउसिंग बोर्ड टू बरनाला। हाउसिंग बोर्ड बरनाला, साडे पंजाब च भी बरनाला है, कहना हरियाणा के अंदर भी बरनाला लुको के रखा हुआ है। हाँ हाँ दसो जी क्या लगता है बरनाले? बरनाले आपां ते अपनी सोच हैगी है। अपनी सोच बताइए। अपनी सोच की भारतीय जनता पार्टी नूं देना बस। अच्छा भारतीय जनता पार्टी बरनाला में देखना, भारतीय जनता पार्टी पे ये लोग विश्वास कर रहे हैं। और हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या विचार है जी। क्या नाम है जी? पन्ना लाल जी। पन्ना लाल अभी बरनाले के आगे जी। बरनाला से नाम क्या है? बरनाला नहीं, ये बलदेव नगर में है मेरे घर। आप कहाँ रहते हो? यही बलदेव नगर में। क्या लगता है इस बार, क्या लगता चुनाव में? चुनाव ठीक है जैसे कहोगे वैसे ठीक है। किसका भी किसका लगता प्रचार? भाई हमारा तो वही पड़ता है कि जो जनता पार्टी है वही जनता, बीजेपी। बीजेपी ये मौजूदा विधायक पर अपना विश्वास रख रहे हैं। अंबाला शहर के हम एक एक जगह जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अब हम खड़े हैं उस जगह पर जो एक टर्निंग पॉइंट होता है, जहां पर सुबह से शाम तक एक पूरे शहर की हम नब्ज पहचान सकते हैं। नमस्कार जी, आपका नाम क्या है जी? हरी राम जी। हरी राम। हरी राम जी साथ में काम भी कर रहे हैं, साथ में हमारे साथ बातचीत भी करेंगे। हरी राम जी कहाँ रहते हो आप? बलदेव नगर में रहते। अच्छा क्या लगता है मौजूदा विधायक ने जो काम किए हैं उससे आप संतुष्ट हो? देख लो विधायक ने कर रखा तो। अच्छा ये दिखा रिकेश जी दिखा दो ना पीछे मुड़ के जी एक बार इन्होंने। अच्छा डेढ़ दिखाओ इधर, मैं पड़ा देख नरक पड़ा। दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ये देखा हम आपके लिए आए हैं। अच्छा अब क्या लगता है? अब यहाँ लैट्रिन नहीं, बाथरूम नहीं,
50 साल हो गए हम बैठे, जनानियां उतरे पीछे बेचारी जहाँ पेशाब कर रहे। मेन मुद्दे उठाए हैं इन्होंने, सबसे बड़ी बात है प्लेटफॉर्म में मेन मुद्दे उठाए गए हैं। क्या कर रहा, कोई लैटरिंग नहीं, कोई बात विधायक को बताया नहीं, पास कहीं पर कह लिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या लगता है आगे? बस आगे तो देखो उस मालिक के हाथ में क्या कह सका। जैसे आपको पता कि हम बाला शहर के हम एक एक बाजार में जा रहे हैं और जनता, जो जनता जनार्दन फैसला करती है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे सामने बाली साहब खड़े हैं। बाली साहब जी, आपका पूरा पूरा नाम बताइए पहले। आप जितेंद्र पाल बाली। अच्छा जी, आपकी दुकान कितने साल पुरानी है? ये 14 साल। हाँ जी, 14 साल। अच्छा आप ये बताइए, अम्बाला शहर में जी, जी तो यहाँ पर जो चुनाव हो रहा है, एक तरफ निर्मल सिंह जी खड़े हैं कांग्रेस से, एक तरफ असीम गोयल आपके दो बार के मौजूदा विधायक खड़े हैं, पहले आप हमें ये बताइए निष्पक्ष और कहोकर कि असीम गोयल जी को आप 10 में से कितने नंबर दोगे? असीम गोयल जी को 10 में से दे देंगे जी, 8 नंबर दे देंगे। 8 नंबर दे देंगे। 8 नंबर देंगे। 8 नंबर आप क्यों दोगे ये बताओ। नहीं ठीक है, काम भी ठीक कर रहे हैं। तो काम कौन सा किया है बताओ? काम चलो जो भी डेवलप, यहाँ पर आपको बताना ही पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काम ये है कि चलो जो भी जितना होता है, साफ सफाई का हो गया या गली मोहल्ले में रिपेयर का हो गया, और भी जो गवर्नमेंट के लेवल पे काम होते हैं वो चलते रहते हैं। आप कह रहे हो साफ सफाई का, उधर से उन्होंने दिखाया था नाला पड़ा है, इधर आपकी लाइट नहीं चल रही। इशू चल रहा है ये तो, काफी टाइम से इशू चल रहा है। हाँ जी। इसको दिखाया भी गया, लेकिन यहाँ पे कुछ करने के लिए कोई आते हैं तो ये मार्केट वाले इकट्ठे हुए थे, नहीं ऐसा नहीं करना, इधर दीवार नहीं बनानी, इधर ऊंचा नहीं करना, ये नहीं करना, और सारे अपने अपने व्यूज देते हैं। ये बताइए कि मेन मुद्दे, मेन आपको जैसे आप जो भी सरकार आएगी उससे इस एरिया को डेवलपमेंट के लिए आपके मन में भी कोई विचार होगा ताकि ये बेहतर बन सके। यहाँ पे एक तो सबसे ज्यादा कमी है शौचालय की, वो नहीं है बिल्कुल भी। हाँ वो बिल्कुल नहीं है, लेडीज को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वो बहुत ज्यादा परेशान होती है लेडीज, बहुत ही ज्यादा। तो उसके लिए भी हम मांग रखोगे? बिल्कुल। अच्छा अब जो चुनाव हो रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया बताइए? हरियाणा में जो चुनाव हो रहे हैं, प्रतिक्रिया तो देखो जी अब लोगों के ऊपर है, उनके मन के ऊपर क्या है क्या नहीं है, जैसे वो करेंगे वही है। तो देखिए बाली साहब ने पूरे दिल की बात लेकिन घुमा फिरा के बता दी है। हाँ लेकिन बता, काफी हद तक बता दी है, लेकिन इन्होंने अपने दिल की बात भी रखी और सुझाव भी रखा कि यहाँ पर शौचालय बनना चाहिए जो सबकी एक मूलभूत सेवा है, और सरकार भी कहती है टॉयलेट। हाँ तो अगर टॉयलेट पूरे हिंदुस्तान में है तो अम्बाला शहर के अंदर क्यों नहीं? अगर मौजूदा विधायक एमएलए बीजेपी से है तो उनको भी ये करना चाहिए था। जो बलदेव नगर में बाला शहर जी पैंदा जी, बिल्कुल नहीं है रोड के ऊपर, उधर नारायणगढ़ मोड़ से लेके इधर जहाँ तक, जहाँ पे इतनी पब्लिक, ये मांग है आपकी, मतलब जितनी पब्लिक आती है लेडीज बहुत ज्यादा परेशान होती है, ये मांग है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो हम बलदेव नगर बाजार के अंदर है और हमारे बीच में बहुत लोग है जो अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं। शर्मा जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, पहले अपना नाम बताइए। शर्मा जी, सुनील कुमार शर्मा। सुनील कुमार जी ये बताइए कि आप मौजूदा विधायक हैं जो आपके दो बार रहे हैं, 10 साल रहे हैं, उनकी कार्यशैली को पहले हम उनकी कार्यशैली पकड़ेंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। तो 10 में से कितने नंबर देते हो आप? 10 में से 8। 8 नंबर आप क्यों दे रहे हो? उन्होंने काम काफी करवाया है। काम किया लेकिन वहाँ पर तो टॉयलेट नहीं। अभी बाली साहब ने कहा कि टॉयलेट की दिक्कत है, तो ये टॉयलेट की दिक्कत आपने जनता तक पहुंचाई, बताया था, फिर क्यों काम नहीं हो रहा फिर? हाँ ये तो होना चाहिए। हाँ जी, ये काम होना चाहिए। अच्छा हाँ जी, तो आप ये बताइए अब जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या लगता है, मौजूदा विधायक पर करोगे कि नया विधायक चुनोगे? बराबर ही लग रहा है। जी? बराबर सा लग रहा है। बराबर सा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, शर्मा जी ने बता दिया कि बराबर सा लग रहा है, लेकिन ये भी चाहते हैं जो भी विधायक बने यहाँ की डेवलपमेंट हो। हाँ जी, नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार। कहाँ पर रहते हो जी? यहीं पर रहते हैं बलदेव। अच्छा राजकुमार जी, ये बताओ कि जो मौजूदा विधायक है आपके, पहले मौजूदा विधायक की बात करेंगे, 10 साल रहे हैं, 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 2 नंबर नहीं देंगे हम तो। 2 नंबर दोगे? 2 नंबर भी नहीं देंगे। कितने दोगे? 0। 0 जीरो कह रहे हैं ये? क्यों गोयल को? क्यों जीरो कह रहे हो? क्यों, कोई सुधार नहीं करा, कोई कुछ नहीं करा, साले क्या करे हमारे लिए या किसके लिए? बच्चे यहाँ पे परेशान होते हैं, लेटरिन बाथरूम किसी ने जाना हो, लेडीज तंग होती है, 500 दफा एप्लीकेशन दे चुके हैं, कोई सुनता नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है बात करने की, इनसे क्या जरूरत है इनसे बात करने की? आते हैं, आज ही हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, किया तो कुछ नहीं आज तक इन्होंने। ये सबसे बड़ा ये सीम गोयल है जो वोटों के लिए आ जाता है, उसके बाद तो आता नहीं है यहाँ पे, उसके बाद तो आना नहीं चले, ना जरूरत है इसको। अच्छा, कोई मरे कोई जिए। तो आप ये बताइए कि आपने पूरी विस्तार पूर्वक बताया। हाँ जी, ठीक है। अब ये बताइए जो नया विधायक आएंगे। हाँ जी, तो उससे उनसे आप क्या उम्मीद रखोगे यहाँ का काम हो? फर्स्ट प्रेफरेंस आप क्या कहोगे उनको? यही उम्मीद रखेंगे भाई, ये हमारा जो उनका काम है ये करवा दो,
ये सड़कें का पानी जो रुकावट पड़ती है इनका काम करवा दो। तो वो कौन क्या लगता है वो कौन सा विधायक करा सकता है आपकी दृष्टि से? वो जो अब बनेगा जो सब वही करवा के देगा यही अपना इसको बनाएंगे निर्मल सिंह को। निर्मल सिंह जी को कह रहे हैं ये बनाएंगे उन पर विश्वास है वो कराएंगे काम पूरा कराएंगे पूरा हम फिर आएंगे देखेंगे टॉयलेट बना के नहीं जिम्मेदारी लेते हो आएंगे जिम्मेवारी कह रहे अगर जिता दो लेकिन हम यहाँ पर टॉयलेट बनेगा और हम देखने भी आएंगे बलदेव जी देखने आएंगे हम फिर दोबारा से। हाँ जी अब आगे चलते हैं। हाँ जत्थेदार साहब खड़े हमारे बीच में। जत्थेदार साहब नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। केड़ा पिंड है जी अपना? मेरा बरनाला गांव है जी। बरनाला? हाँ जी। और बरनाले वाले बड़े इकट्ठे हो गए जी चक्कर की जगह रास्ता ही अंदर बरनाले नु यही रास्ता। अच्छा तो हम दसो जी तुहानू की लगता है उत्थे अंबाले घंटे उधर नील भी जाएगा क्लियर है? अनिल भी जी बरनाला में जितने भी हम मिले हैं बरनाला वाले ने कहा कि बीजेपी वोट पाएंगे अनिल विज आएगा। क्यों आएगा अनिल विज? अनिल विज ने काम इतने करे जितने किसी जिंदगी में नहीं कर सके कोई। अच्छा अच्छा हाँ जी। तो लगता है कि इस बार आप पुराने विधायक के साथ खड़े हो। हाँ जी। 10 में से कितने नंबर दोगे अनिल विज को? 11। 10 में से 11 नंबर अनिल विज को 10 में से 11 नंबर दे रहे हैं। सत श्री अकाल जी नमस्कार जी। बेटे तू गिनना चाहिए है क्या नाम है आपका? मेरा नाम चिराग है जी। चिराग कहाँ रहता है? मैं नाना हाउस रहता हूँ। नाना हाउस ये कैसे है? 4 नंबर चौकी। अच्छा हल्का कड़ा बंदा है? हाँ जी हल्का हल्का। एमएलए कौन है? असीम गोल। अच्छा की लगता है असीम गोल की कार्यशैली को कैसे देखते हो आप? असीम गोल जी ठीक है हमारा तो करा है जी देखो करे? क्या हाँ। काम किया है? नाले नूले साफ कराए बाकी कोई आया किसी ने कुछ कराया नहीं कभी बारिश का पानी खड़ा कभी कुछ। अब क्या 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 लगता है आपको कि आगे क्या होगा? जी असीम गोल आना चाहिए। असीम गोल पर इन्होंने मोहर लगाई है कि असीम गोयल ही है हमारे जो हमारे काम कराएंगे। 100 में से 100 नंबर। कितने? 100 में से 100। 100 में से 100 नंबर दे रहे हैं ये। हम अंबाला शहर में खड़े हैं और अंबाला शहर का हम ग्राउंड लेवल का रिपोर्ट दिखा रहे हैं और हमारे बीच में लोगों का जूम जुड़ रहा है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। ऊंचा बोलिए। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सूरज मान। कहाँ रहते हो? अंबाले ये बलदेव नगर में। बलदेव नगर में ये बताइए आप अपने मौजूदा विधायक को 10 में कितने नंबर दोगे? 0। 0? 0 क्यों दोगे? 0 ये देंगे जो जिस पार्टी से ये है उन्होंने आज देश का भट्ठा बैठा दिया। कैसे भट्टा बैठाया? भट्टा ये बैठा दिया जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट थे सारों को खत्म कर दिया। सरकारी नौकरी खत्म कर दिया कितनी फैक्ट्रियां कितने आदमियों को बेरोजगार कर दिया। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम बगैर खर्ची पर्ची दे रहे हैं। ये तो जो मर्जी कह दे है ना। अच्छा। सरकार है उनकी जो मर्जी बोल दे है तो जुबान है। अच्छा ये जुबान है बाकी 0% है। और हम तो यही कहेंगे पब्लिक को भी यही समझा रहे हैं भाई बीजेपी को मत बोल। हाँ इसने खत्म कर दिया हमारे देश। चलो इन्होंने अपने विचार बहुत अच्छी बात है कि इस चैनल के माध्यम से इन्होंने अपने विचार रखे। हम आपके विचार सुनने के लिए आए हैं धन्यवाद जी। और हम खड़े हैं बलदेव नगर चौक में हमारे सामने भाई साहब। भाई साहब क्या नाम है आपका? गोल्डी जी। गोल्डी कितनी देर से यहाँ पर बैठे हो? हो गए 10-15 साल हो गए। गोल्डी आपकी क्या दिक्कतें हैं पहले दिक्कतें बताइए। बस यहाँ शौचालय नहीं है बस परेशान है ये नाले मेरी गंदगी देखो आप। नाले की गंदगी दिखाइए देख कितना बुरा हाल है यहाँ पर। तो आप ये बताइए जो मौजूदा विधायक थे आपने ये मुद्दा उठाया कभी उनके आगे? नहीं नहीं कभी नहीं उठाया। नहीं उठाया। अच्छा मौजूदा विधायक 10 में कितने नंबर दोगे? क्या नंबर दें बस परेशान है। परेशान है। तो अब आपको क्या लगता है जो चुनाव हो रहा है विधानसभा का उसमें क्या मेन मुद्दे लगते हैं आपको? क्या कह सकते हैं भैया अभी तो बराबर की टक्कर चल रही है। टक्कर चल रही है। आप मुझे ये बताएं एक चीज बताना कि आपके पास भी लोग आते हैं तो अगर आप नई सरकार आती है किसी की भी आए तो आप उनको क्या सुजेशन दोगे कि आपके एरिया का डेवलपमेंट हो सके? हाँ जी साफ सफाई हो बस शौचालय बन जाए। शौचालय की दिक्कत बलदेव नगर चौक पर है ये सभी दुकानदारों ने बताई है और इन्होंने बताई है स्पष्ट। हाँ जी धन्यवाद जी। प्यारे भाइयों बहनों जैसे आपने देखा इस चुनावी सर्वे में कि अंबाला शहर के लोगों ने किस तरह से अर्थ प्रकाश चुनावी चौपाल के प्लेटफॉर्म पर दिल खोल कर अपने विचार रखे और उन विचारों से आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि ये चुनाव किस तरफ जा रहा है। और ये मेरी रिपोर्ट डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा और अर्थ प्रकाश टीम की रिपोर्ट।